हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आवर टुडेज टॉपिक इज अबाउट आईक्यू, इंटेलिजेंस कोशेंट। इट इज़ अ साइंटिफिक टर्म, ये टेक्निकल टर्म है जो साइंटिस्ट, जैसे कि माइंड के साइंटिस्ट होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट यूज़ करते हैं किसी बंदे के इंटेलिजेंस के लेवल को जज करने के लिए, मापने के लिए। ये होता क्या है इंटेलिजेंस कोशेंट या आईक्यू, यानी कि इंटेलिजेंस का लेवल? ये वो है जो हमें भगवान ने हमारा ब्रेन हमारा दिया है, उसके अंदर पावर कितनी है, वो कितना इंटेलिजेंट है। जैसे किसी इंजन की मोटर की पावर होती है, हॉर्स पावर है, इतने पावर की मोटर है, कुछ कुछ वैसे ही समझ सकते हैं कि ये हमारे माइंड की पावर है कि ये कितना काम कर सकता है, कितनी इसकी क्षमता है ये इसको जज करने का। इसके लिए प्रॉपर टेस्ट होते हैं, आप भी सर्च करके टेस्ट कर सकते हैं अपना आईक्यू और दूसरों का भी। लेकिन ये ज़्यादातर मैं क्यों इसको डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आम लोग जब पढ़े लिखे, थोड़े से पढ़े लिखे भी होते हैं, कुछ अपने आप को थोड़ा सा पढ़े लिखे होने पर अपने आप को ज़्यादा समझ लेते हैं, ओवर स्मार्ट हो जाते हैं। क्यों? जब हम किसी बात का समझे बिना उसको यूज़ करते हैं तब गलत होता है। इसलिए मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ आज ये कि इसको सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए इस वर्ड को, क्योंकि इट इज़ नॉट ईजी फॉर कॉमन मैन टू जज एनीबडीज आईक्यू। ये बाद में आपको एग्जांपल दूंगा, आप सहमत हो जाएंगे मेरी पूरा ये वीडियो देखने के बाद कि ऐसा डिस्कस करने की क्या ज़रूरत पड़ गई है, कि क्योंकि ये पेरेंट्स जो एजुकेटेड अपने आप को मानते हैं, क्योंकि मोस्टली ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट बहुत हाईली एजुकेटेड भी होते हैं पेरेंट्स, ये डिस्कस तब आता है डिस्कशन में जब हम पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में बात करते हैं टीचर्स के साथ, या फिर टीचर्स लेके आते हैं ये बात पेरेंट्स के सामने कि इसका आईक्यू ऐसा है, कम है या ज़्यादा है, या आईक्यू वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसको यूज़ करना मैं तो बोलूँगा कि बंद कर दीजिए, बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू जज एनीबडीज आईक्यू फॉर ए कॉमन मैन, इट नीड्स स्पेशल टेस्ट्स, उसके बाद आप इसको चेक कर सकते हैं। और पूरा वीडियो देखने के बाद आप मेरी ये बात भी सहमत होंगे कि हमें इसका यूज़ करना ही नहीं चाहिए इस वर्ड का, बिकॉज इट इज़ वेरी टेक्निकल एंड कॉम्प्लिकेटेड। तो जैसे कि आईक्यू को पहले तो समझने के लिए कि आईक्यू का पता कैसे लगता है किसी का, सबसे कई तरीके होते हैं जिससे पता चलता है, किसी से चेक कर सकते हैं। आम कॉमन वे बताऊंगा, कोई स्पेशल टेस्ट नहीं, कि हमें कैसे पता चलता है कि बंदा इंटेलिजेंट है, उसके अंदर माइंड है या ऐसे ही है, जैसे कि हम बोलते हैं कि माइंड है ही नहीं या माइंड स्लो है। तो सिंपल बातें, पहली बात तो समझना उसकी समझदारी कितनी है, किसी चीज़ को कितना समझता है, कितनी तेज़ी से समझता है, कितनी जल्दी और किस लेवल तक समझता है किसी बात को, किसी चीज़ को। पहली बात तो ये जो आप आसपास देख करके समझ यानी कि समझ सकता है, जो तभी हम बोलते हैं समझदार है, जो समझ पाए वही समझदार है। और उसके बाद आती है दूसरी बात, उसकी रिएक्शन कितनी, किस स्पीड से किसी चीज़ के बारे में प्रतिक्रिया देता है, इससे भी पता चलता है। जैसे किसी ने कुछ आसपास, किसी हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम उसके प्रति कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, कितनी स्पीड से और किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, रिएक्शन करते हैं, रिस्पॉन्स हमारा क्या है, उससे भी पता चलता है किसी के इंटेलिजेंट का कि उसके अंदर माइंड है या नहीं है। और इसके अलावा काउंटिंग में भी पता चलता है, काउंटिंग आपकी स्लो है, काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, हिसाब किताब भी एक, ये भी एक टेस्ट है इसमें। तो दूसरा, सोचने की स्पीड कितनी है कोई बंदा, ये तो हो गया आसपास की बात कर ली हमने कि जो है उसको समझना, और फिर उसके बाद उसके प्रति रिएक्ट करना, और तीसरी चीज़ है अपनी सोच लगाना, नई सोच, कि हमारी सोच वही है जो आपको मिल रहा है या उससे भी आगे सोच सकते हो आप। तो इससे भी डिफरेंट आईक्यू का लेवल पता चलता है। एक जो सोच होती है कॉमन सोच, आम लोगों की सोच, और आम लोगों की सोच ज़्यादातर आप देखो कि ऐसी ही होती है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं, ये आम आईक्यू, इसका मिडिल लेवल का आईक्यू माना जाएगा कि जो, और अच्छा आईक्यू, हाई आईक्यू किसका माना जाएगा, जिसकी सोच दूसरों से अलग होती है, क्योंकि दूसरों से अलग सोचना ही एक पहचान है हाई आईक्यू की। तो इससे भी आप जनरल कॉमन, हम कॉमन लोग, इससे हम जज कर सकते हैं कि कोई बंदा कितना इंटेलिजेंट है, दूसरों से अलग सोचना। और थिंकिंग में यह भी आता है कि कोई अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करता है, यह भी इसमें एक टेस्ट है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस टाइम बंदा कैसे उसको डील करता है। जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन में कई लोगों ने सुइसाइड कर लिया,
तो वो नहीं हैंडल टैकल कर पाए। और आम लाइफ में उसके बाद भी जनरली भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं। तो और जो लोग सामना करते हैं, हैंडल करते हैं, एंड दे कम आउट नॉट जस्ट कम आउट, समटाइम्स दे कम आउट इवन बेटर आफ्टर द प्रॉब्लम्स। तो इससे लेवल पता चलते हैं, जो प्रॉब्लम्स एक तो गिर गए, एक निकल आए, एक निकले ही नहीं सिर्फ ऊपर उल्टा पहले से बेटर होकर के आए। तो ये होते हैं डिफरेंट लेवल्स। जो प्रॉब्लम से में से भी कुछ सीख करके निकलेगा उसका एक आईक्यू आप जज कर सकते हैं। आप मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे उसका आईक्यू लेवल कैसा होगा। तो ये भी हमने देखा ऐसा, और लॉकडाउन में ऐसा भी सामने आया। तो ये सारी बातें जनरल हम देख सकते हैं कि पता चलता है यहाँ से आईक्यू का। जो नई सोच लेके आते हैं वो हाईएस्ट होते हैं और साइंटिस्ट इसमें आते हैं। लास्ट में बात कहनी थी मैंने आपको कि जिससे हमें लगेगा कि हमें ये वर्ड आमतौर पर यूज़ नहीं करना चाहिए आईक्यू, कि हमने तो ऐसी एग्जांपल्स भी देखी हैं, ऐसे लोग भी जिनको पूरे दुनिया ने, समाज ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि इसके पास है ही नहीं माइंड, ऐसे भी हमने देखा जो बाद में ग्रेट बन के सामने आए। आपको एग्जांपल देता हूँ, थॉमस अल्वा एडिसन साइंटिस्ट, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, वो ऐसे थे। और रियल लाइफ में भी आप इवन सम फिल्म स्टार्स आल्सो दे हैव कम आउट एज इंटेलिजेंट, फर्स्टली फॉर्मरली दे वर डिक्लेयर्ड स्लो लर्नर्स बट लेटर, आप शायद आपको पता होगा मैं किस की बात कर रहा हूँ, इशारा कर रहा हूँ। और अल्बर्ट आइंस्टाइन और हमारे महाकवि कुलदीप कालिदास और तुलसीदास, दोनों का नाम मिक्स हो रहा था गलती से, तो भगवान वाल्मीकि जी भी चेंज हुए थे, पहले तो कुछ और थे फिर बाद में कहाँ पहुँचे आप देखिए। तो ये वो एग्जांपल्स हैं जो हमारे सारे जनरल इवन टेस्ट को भी कई बार कुछ एग्जांपल्स टेस्ट को भी रॉन्ग प्रूव कर सकती हैं। तो फिर हम कौन होते हैं आईक्यू वर्ड यूज़ करने वाले? तो इंटेलिजेंट किसी को देख करके, कोई किसी काम में कोई बंदा कमज़ोर है, कपड़ों से हम जज कैसे करते हैं, आम लोग कैसे जज करते हैं किसी के माइंड को कि ये तो ऐसी है? हम आम लोग देखते हैं कपड़ों से पहले, तो फिर पैसे से, किसी के पास कितना पैसा है, कोई कितना कमा पाता है, तो कोई बंदा मैरिड है या नहीं मैरिड है, सिर्फ इससे भी जज कर लोगे कि आप इसकी तो शादी ही नहीं हुई, आपको क्या पता क्यों शादी नहीं हुई या उसने की नहीं। तो कपड़े इसके सिंपल हैं, तो ऐसी भी बहुत सारी आपके पास स्टोरीज आपको सुनी होगी आपने, नहीं तो आपको मिल जाएंगी, कि जो ये बताती हैं कि कपड़ों से सब कुछ नहीं होता, पैसे से भी सब कुछ नहीं होता, और मैरिज या किसी के पास फ्रेंड्स हैं, किसी का कोई फ्रेंड नहीं है तो इसका मतलब जरूरी नहीं है। तो हम इन चीज़ों से जनरली आम लोग होते हैं, उनकी सोच यहाँ मिडल लेवल की होती है, जो हाई लेवल का सोच नहीं पाते। कुछ लोग डिफरेंट होते हैं, हम उनको भी कई बार हम स्लो बोल देते हैं कि वो इनको तो दुनियादारी का ही नहीं पता, हो सकता है वो दुनिया से ऊपर की सोच रखते हों। तो ये सारी बातें हैं, कुछ मैं आपके लिए सोच छोड़ रहा हूँ सब कुछ ना बोलते हुए, क्योंकि मैं भी आपकी तरह भी नहीं, मैं एक कॉमन लो लेवल का, मिडल लेवल का, सिंपल सोच रखने वाला बनता हूँ। तो ऐसा है कि हमें नहीं ऐसा किसी के बारे में बोलना चाहिए, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, किसी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि आप स्लो हो या आप का माइंड नहीं है। तो वी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, इवन हैविंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ ए साइन ऑफ इंटेलिजेंस, कि किसी बात का हमेशा पॉजिटिव चीज़ देखना, खुश रहना, ये भी सारे सिंबल होते हैं, साइन होते हैं किसी की इंटेलिजेंट को जज करने का, इंटेलिजेंस को, कि कोई बंदा जो खुश रहता है वो ही इज़ इंटेलिजेंट, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी टू रिमेन हैप्पी इन दिस टाइम, यू नो लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम, नोबडी इज़ विदाउट प्रॉब्लम्स। सो ये सारी बातें आम तौर पर जज कर सकते हैं हम, आम बातें जहाँ से कुछ हम आइडिया लगा सकते हैं। किसी एक बात से हम कभी भी हमको जज नहीं करना चाहिए किसी आदमी का, एक नज़र में देखा, जैसे कि एक शेयर भी होता है लास्ट में, आई वुड लाइक टू कोट ए वर्स, के हर आदमी में मौजूद हैं 10-20 आदमी, अगर देखना हो किसी को तो कई बार देखना। दैट्स ऑल, आई होप यू लाइक टू टेल मी इन योर कॉमेंट्स, इन द डिस्क्रिप्शन आई हैव गिवन माई व्हाट्सएप नंबर, यू कैन comment and contact, you can tell me your suggestions and you can comment, you can ask any question, I would like to respond as quick as I can. Okay, bye bye, take care, see you.